आज आपको स्ट्रॉबेरी जेली बनाना सिखाएंगे। आजकल बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरी आई हुई है और उसकी बहुत मज़े की जेली बन जाती है घर में और बहुत आसानी के साथ। तो मैंने इसको एक 1 kg लिया और इसको साफ़ कर इसमें चीनी डालकर आधा कप चीनी डाला और इसको मैंने फ्रीज कर लिया। सबसे पहले मैंने इसको कल किया था। मैंने भगोने में पानी डाला है 1 कप और वही जो स्ट्रॉबेरी थी वो डाल दी। अब ये अच्छी तरीके से पक जाएगी जब और गल जाएगी। तो इसमें 1 किलो स्ट्रॉबेरी है तो 1 किलो इसमें और या फिर आप 1 किलो से थोड़ा कम कर दें 3 पाव चीनी डालेंगे। अभी सिर्फ मैंने इसमें जो है वो स्ट्रॉबेरी डालकर इसको मैंने गला लिया है। ये देखिए इसका कलर, जब ये पानी पूरा कम ख़त्म हो जाएगा और तो हम इसमें चीनी डालेंगे, ऐड करेंगे। अब देखें आप, ये काफ़ी हद तक गल चुका है और इसमें जो हमने पानी डाला था वो बहुत थोड़ा सा रह गया है। अब हम इसको चूल्हे से उतार देंगे और ठंडा होने के बाद ब्लेंड कर देंगे। अब आपने देखा इसको कि ये इस तरीके से हो चुका है, हल्का हल्का सा जेली जो है थिक फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। बहुत एहतियात के साथ करना है ताकि छींटे ना हो सके। तो ये थोड़ा सा अगर इसमें साबित भी रहेगा तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हम चीनी दाल का जब पकाएंगे तो ये खुद ब खुद जो है सब घुल जाएंगे। अब मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है। आप देखें ये गाढ़ा हो चुका है, अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़ किया था। तो इसमें तकरीबन 1 किलो में एक जो है ना, मैंने 1 पाव के करीब चीनी डाली थी और उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब ये इतना गाढ़ा हो चुका है, अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब शुगर शामिल करूँगी और इसको शामिल करके इतना पकाना है कि ये पूरी जेली फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन एंड में इसमें मुझे लीमू का रस शामिल करना है 2 से 3 चम्मच, ताकि ये 1 महीने तक भी चल सकता है। मगर ये इतना कम है कि ये 1 हफ्ते भी नहीं चलेगा। स्ट्रॉबेरी जेली है ये, आप इसको आधा पैकेट इसका डाल दें इसके अंदर, इससे कलर भी इसका अच्छा आएगा और थिक भी हो जाएगी ये। आप चाहें तो ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है डालना। आप अगर इसको पका कर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये खुद ठंडे होकर गाढ़ी हो जाएगी, बिल्कुल जैम के फॉर्म में आ जाएगी। वरना फिर आप अगर जेली नहीं डालेंगे तो फिर आपको अच्छा इस खासा इसको जो है ना पकाना पड़ेगा। लगे हैं आप ऊपर का पिछा के निकाल कर मूव कर दें और इसमें आप प्लेट में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। आपको खुद पता चल जाएगा कि ये जो है ना जम चुकी है जेली, जैम जम चुका है और ये जेली डालने की वजह से ज़्यादा ये बेहतर हो जाता है जब। और अब हम जब आप देखें इस तरीके से, इसमें 1 लीमू का रस शामिल कर दिया है। आप ये देखें ये जेली भी तैयार है बिल्कुल। अब आप इस टाइम पे इसको बंद कर दें और ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसको जार में भर देंगे। अब ये जेली ठंडी हो चुकी है और अब हम इसको किसी भी कंटेनर में निकाल लेंगे। ये जार मेरे पास रखा हुआ था, इसमें मैं इसको भर लूँगी। अब ये जेली तैयार है और ये 300 रुपये में तैयार हुई है। मैंने 200 रुपये की स्ट्रॉबेरी ली और जेली का पैकेट आधा डाला 40 का और तकरीबन 40 या 50 की समझे चीनी डाली इसमें, तो ये 300 रुपये में तैयार हो गई है। तकरीबन 2 जार तैयार हो चुके हैं और आप तकरीबन इसको 1 महीना रख कर खा सकते हैं। और आप ये जेली केक में भी मैं इस्तेमाल करूँगी, फ्रेश क्रीम में मिक्स कर कर आपको दिखाऊँगी। और ये आप जूस में भी इस्तेमाल करें।